तुम्ही एक्सपिरियन्स करून बघता का तुम्हाला ओके वाटतंय ना, म्हणजे तुम्हालाच कळेल की किती फास्ट ओपन होतं काय होतं त्या सिस्टम वरती. मी आता होईल कधीतरी होतो फास्ट कधी नाही.
मान स्लीकर तो कौन भेज मामी भूमि लंकर के ने मामी मामी ब्लॉक के नो उधर ने कंडोर ज़ूम है ना Hello and good afternoon, everyone. My name is Arman Ali. I am the executive director of NCP. I hope आप लोग सब मुझे सुन पा रहे हैं.
May I make a request that anyone please mute all of your mic up apne mic ko mute kar lijiye sab aur taki disturbance na ho aapki awaaz aur dusre ka sabse request ye hai ki aap log apne mic everyone please mute your mic and those who have questions we will take these questions after my colleague who speak in details about the fellowship. So Manjunath, if you have are raising your hand, we can discuss your question after the session. So agar everybody has settled, Sumit, can I start? If somebody can indicate. Sumit? So, एक बार फिर स्वागत करता हूँ. My voice is getting echo. Is it getting echo? सर आपका वॉइस इको हो रहा है. तो इको क्यों हो रहा है वही मैं सोच रहा हूँ. Because a few people are not muted. That's आप अपना माइक सब प्लीज म्यूट कर लीजिए. Everybody please mute your mics. Everyone, I request everyone to please mute your mic. सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना माइक म्यूट कर ले और जब सेशन खत्म हो जाएगा तो हम कोऑर्डिनेट करके आप लोगों से सवाल जो भी होंगे उन सवालों का हम जवाब देंगे. माइक आपका माइक और कैमरा दोनों ऑफ रखिए. प्लीज स्विच ऑफ योर माइक एंड कैमरा. वी विल व्हेन वी गेट इनटू द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन वी विल आस्क यू टू स्विच ऑन योर माइक एंड कैमरा वन बाय वन एंड वी विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. So if everybody is settled in, so I can start. So good afternoon, everyone. Once again, my name is Arman Ali. I am the executive director of NCPEPP, that is National Center for Promotion of Employment for Disabled People. I will try to be bilingual. I will speak both in Hindi and English. Or जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एनसीपीडीपी एक बेसरकारी संस्था है. इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. इट्स अ एनजीओ वर्किंग फॉर द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी फ्रॉम लास्ट 25 इयर्स. दिस ईयर इट इज द 25th ईयर. वी टर्न 25. हमारा 25वां साल है एज एन ऑर्गेनाइजेशन. और मुझसे पहले श्री लेट जावेद आबिदी साहब इस संस्था के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और उनके नेतृत्व में भारत में देयर वी हैव सीन मेनी चेंजेस इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेशन अवेयरनेस एंड इंक्लूजन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी एंड ऑल दोस पाथ ब्रेकिंग वर्क दैट हैज हैपेंड इन द लीडरशिप ऑफ एनसीपी ऑफ श्री जावेद आबिदी लेट श्री जावेद आबिदी. उनके लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए और उनका हमेशा से विजन रहा था कि यूथ के लीडरशिप को हमेशा वो प्रोत्साहन देते थे और इसीलिए हमने इस फेलोशिप को उनको उनको ऑनर करते हुए उनको ऊपर समर्पित करते हुए इसको हमने एनसीपीडीपी जावेद आबिदी फेलोशिप ऑन डिसेबिलिटी कहा है. So NCPEDP's journey as an organization, we work on 6 pillars. We work, hamara focus hai education, employment, accessibility, legislation, awareness, and youth. In 6 pillars pe hum focus karke aur viklangta ko kaise mainstream mein laya jaye viklang logo ke adhikar ke liye. शिक्षा के अधिकार रोजगार का अधिकार हर इंफॉर्मेशन को और एक जगह से दूसरी जगह जाने का अपनी आजादी से जाने का इंडिपेंडेंटली जाने का अधिकार
कानून के बारे में जान के अपने अधिकार को समझ के कानून को इस्तेमाल करने का अधिकार, और यूथ लीडरशिप भी एक बहुत कोर हमारा पिलर है कि हम चाहते कि यूथ ही है जो इस देश को बदल सकता है, या जो भी हम हमारे विकलांग साथी है उनकी जो भी समस्या है उनको उनकी आवाज बुलंद करके उनके जीवन में बदलाव लाने की क्षमता रखता है. And it is with this vision that we have launched this fellowship program. I will not take more time. If you have any question on NCP, DP, you can visit our website. Our website, we have all the information there. Whatever we have done, it's there. Very briefly, NCP, DP, the fellowship launch कर रही है इसका अभी नॉमिनेशन प्रोसेस एप्लीकेशन प्रोसेस इज ऑन. एंड फेलोशिप क्या है, काफी लोगों में काफी सवाल है, सारे सवालों के जवाब मेरे कुलीग सुमित देंगे. हम चाहते हैं कि यूथ जो यूथ विद डिसेबिलिटी हु आर बेस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, किसी शहर में हो या छोटे डिस्ट्रिक्ट में हो या छोटा टाउन में हो या किसी भी कस्बे में हो, जो कि पैशनेट हो, जिसको जुनून हो डिसेबिलिटी वर्क पे काम करने का, किसी भी विषय पे, वो शिक्षा पे हो सकता है या सुगमता पे हो सकता है या एक्सेसिबिलिटी ऑफ आईसीटी पे हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे हो सकता है, डेटा इन जनरल पे हो सकता है. इट कुड बी अभी कोविड चल रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कोविड ऑन पीपल विद डिसेबिलिटी. आप लोग जो भी सोचे, जो भी एप्लीकेंट होंगे, उनके पास जो भी आइडिया है जो कि विकलांग लोगों को उनके 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 जो समस्याएं हैं उसके लिए कोई सोल्यूशन ढूंढे, उसके लिए रिसर्च करे, उसके लिए डेटा निकल ढूंढे, डेटा पोस्ट करे. सो देयर आर, दिस इज व्हाट वी डू. एंड मुझे लगता है कि ये जो 25 फेलोज सेलेक्ट होंगे इन फेलोशिप के लिए फॉर 3 years, आने वाले समय में they will have the potential and the capacity to change the landscape of disability rights in the country. Is bharatvarsh mein viklang logo ke adhikar mein aur unke 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 jo situation hai usse badlav lane ki samta rakhenge. Agar hum sahi applicants hamare paas aaye, we will give them all the support and they will have the potential and they will have the capacity to bring in the change that India wants in terms of persons with disability and their rights and to be a part of the mainstream. So I am passing on the mic to Sumit to start his session. Main Sumit se request karunga ki aap na session start kare. Main yahi hu aur jab hum sawal jawab start karenge, I will be there to answer any questions which are directed. Ye meeting एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये लाइव भी है फेसबुक पर, जो लोग अगर इस पे नहीं आ पा रहे हैं वो फेसबुक पे हमारे एनसीपी डीपी के पेज पे जाके देख सकते हैं. और आपके जो भी सवाल हो तो इस एनसीपी डीपी जावेद आबिदी फेलोशिप ऑन डिसेबिलिटी के ऊपर ही निर्भर करके करें. कोई दूसरा सवाल, आपकी दूसरी समस्या जो भी जरूरी है, पर अभी इस मीटिंग में इस पे जाना है, सीमित समय है, इसके अंदर हम इस पर ही फोकस करेंगे. थैंक यू. ओवर टू यू सुमित.
सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है यार. जस्ट जस्ट हैंग ऑन. ही इज कनेक्टिंग. या सुमित आई थिंक यू नीड टू लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन. आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है और यू आर ऑन म्यूट. यू अनम्यूट योरसेल्फ अगेन. एक बार दोबारा कोशिश कीजिए. आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू प्लीज बियर विथ अस. थोड़ी टेक्निकल इश्यूज आती हैं आजकल. कभी भी आप नो प्रॉब्लम सर. नो प्रॉब्लम. जस्ट प्लीज बी पेशेंट एंड वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व इट. एज द वी आर ऑल वर्किंग फ्रॉम होम. हम घर से काम कर रहे हैं तो ये और भी डिफिकल्ट हो जाता है. हर लोग अलग अलग जगह से, अलग अलग नेटवर्क है. तो आई रिक्वेस्ट आप लोग थोड़े से पेशेंट रहे, अपने सवाल तैयार रखें. सुमित ने अच्छा एक पेपर पीपीटी तैयार किया है और बोलेंगे भी. आपके सारे doubts about the fellowship will be clear. क्या अब तक मेरी आवाज अब पहुंच रही है? Yes, yes. Are you able to hear me now? Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, yes, sir. Please. I'm extremely sorry for the inconvenience caused due to technical reasons. तकनीकी दिक्कतों की वजह से जो आपको परेशानी आई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ. तो शुरुआत में जैसा कि आपने सुना हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री अरमान अली के तरफ से कि किस तरह से इस फेलोशिप की बुनियाद रखी गई, एनसीपीडीपी के पूर्व में क्या प्रयास रहे हैं और उस आधार से एक नई मुहिम की शुरुआत कैसे की गई. सो इन द पास्ट यू हर्ड आवर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर अरमान अली एक्सप्रेस हिज थॉट्स अबाउट द फेलोशिप, आर पास्ट वर्क, and based on our efforts, how this fellowship is going to be a new direction in this disability movement. तो आगे बढ़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों के साथ अब हम शुरुआत करेंगे. So to begin with, we'll start with the fundamentals of the fellowship. So essentially, this is a 3 years immersive program where a fellow will be working on disability rights and issues and learn through practice. मुख्य तौर पे देखा जाए तो यह 3 साल का प्रोग्राम है जहां पे आप विकलांगता से जुड़े मुद्दों पर काम करेंगे, इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे अभ्यास करते हुए. अब ऐसे समय में आज के तारीख में कई प्रयास किए गए हैं विकलांगता के क्षेत्र में, हालांकि वह प्रयास कहीं ना कहीं उझल होते नजर आ रहे हैं. There have been many efforts made in disability movement, but that have not been proven enough to cater to the needs of people with a disability, especially during the times of pandemic. खासकर इस महामारी के दौर में यह जग जाहिर है. So it's quite evident of how
crucial this fellowship can be to cater to the needs of disabled people. इस महामारी को ध्यान में रखते हुए जो परेशानी आई है पिछले 1-1.5 साल में, उसको ध्यान में रखते हुए आप ये खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण और जरूरी प्रयास NCPETP द्वारा है। तो आगे बढ़ने के लिए कुछ चर्चा करते हैं कि क्यों आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। सो मूविंग अहेड, वी शुड डिस्कस ऑन व्हाई some sound coming, sir. It's very Hanif Khan, please mute yourself and switch off your camera. Hanif Khan, it's very annoying, sir. It's some Hanif Khan and Tony Samuel, please mute yourself. Thank you. Carry on. Moving ahead, we will discuss on why one should apply for it. And before we discuss this section, I'll request you all to put your microphones on mute. मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इस सत्र के दौरान आप अपने माइक्रोफोन को म्यूट करके रखें। आगे बढ़ते हुए आपको समय दिया जाएगा जब आप अपने सवालों को इस पटल पर रख सकते हैं। सो एज वी मूव अहेड, यू विल बी प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन पुट फॉरवर्ड योर क्वेश्चंस और थॉट्स अबाउट द फेलोशिप। सो लेट्स डिस्कस दिस अहेड, आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं क्यों अप्लाई करना चाहिए। ये बिल्कुल अनोखा फेलोशिप प्रोग्राम है। दिस इज अ वेरी यूनिक अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ फेलोशिप। यूनिक किस तरह से है, ये अनोखा किस तरह से है, यहाँ पे आप अपने सोच को, खुद की सोच को, खुद से चुने हुए सोच को एक दिशा दे सकते हैं। यू गेट अ चांस टू वर्क ऑन योर आइडिया, डेवलप इट फर्दर। यहाँ पे आप इन टर्म्स ऑफ एडवोकेसी, ताकि आप विकलांगता के ऊपर जो मुहिम है इसको एक नई दिशा दे सकें, एक दिशा दे सकें। इस दौरान आपको मौका मिलेगा कई लोगों के साथ काम करने का और कई संस्थानों के साथ काम करने का। ड्यूरिंग दिस फेलोशिप टू गेन ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस एंड हैव अ प्रॉपर गाइडेंस सेटअप, यू विल बी वर्किंग विद मेनी इंडिविजुअल्स एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस। दीज इंस्टीट्यूशंस विल बी आवर पार्टनर इंस्टीट्यूशंस and these individuals will be leaders, activists and experts in the disability movement. जो संस्था है वो हमारे पार्टनर संस्था होंगे जो कि पूरे भारत में है, और उनके मदद से आप अलग अलग जगह अपने प्रयासों को एक दिशा देंगे, आगे बढ़ाएंगे। और जो लोग हैं उनमें जो विशेषज्ञ हैं, जो इस मुहिम को काफी समय से आगे बढ़ा रहे हैं, एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, वह भी आपके साथ इस मुहिम में आगे हाथ बढ़ाएंगे। एंड टू डू दिस ऑल, यू विल आल्सो बी प्रोवाइडेड अ स्टाइपेंड अप टू ₹25,000 पर मंथ। यह सब कुछ करने के लिए आपको एक मासिक वृत्ति जो कि ₹25,000 तक की होगी, यह भी आपको प्रदान की जाएगी, हाथ बढ़ाएंगे। तो यह तो मुख्य जानकारी हुई। सो दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम। नाउ लेट्स गेट इनटू द एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। इसमें कौन आवेदन भर सकते हैं, इसके ऊपर अब चर्चा करते हैं। सभी भारतीय नागरिक जो कि 18 से 28 वर्ष की सीमा में है, वह इसमें आवेदन भर सकते हैं। एवरी इंडिविजुअल हु इज इन द एज ग्रुप ऑफ 18 टू 20 इयर्स कैन अप्लाई फॉर दिस फेलोशिप। जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा पूरी कर ली हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। Those who have completed a minimum secondary level of education can also apply for this fellowship. अगर आपको विकलांगता से जुड़े मुद्दों के ऊपर जानकारी है, एक मूलभूत जानकारी, और इसके साथ साथ आपको शोध करने की भी जानकारी हो तो और भी बेहतर होगा। In case you have knowledge, a basic understanding of disability issues, and you have a conceptual understanding of research and analytic skills, then that will be an advantage for you. इसके साथ साथ यह उम्मीद की जाएगी कि आपको अंग्रेजी या हिंदी या किसी प्रांतीय भाषा की भी जानकारी हो। Along with this, it will be expected out of you to have a basic knowledge of English or Hindi or any regional language. अगर आपने पहले development sector या disability sector में काम किया है तो और भी बेहतर होगा। It will be preferable
and an added advantage if you would have worked before in development sector or disability sector. अब कुछ सवाल ऐसे हैं जहां पे ये बात आती है कि क्या यह eligibility criteria जो है यह mandatory है. तो इसको आगे बढ़ने से पहले मैं यह चर्चा करना चाहता हूं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है. यह एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन अगर आपने एक अनुभव है और उम्दा एक रुझान है जिसको लेके आप इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बेशक हम आपका स्वागत करते हैं. सो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज अ बेसिक फ्रेमवर्क which has been provided in terms of people who are preferred for this fellowship. But in case you have exceptional motivation towards this sector, then such candidates are always welcome to apply. चलिए, अब apply करने की बात हो गई है, तो हम ये भी चर्चा करते हैं कि किस तरह से apply करना है. So now that we have discussed about who are eligible, then we should move ahead and discuss as to how we can apply for the fellowship. तो fellowship में apply करने के लिए सबसे पहले आपको हमारी website ncpedp.org पर जाना होगा. To apply for the fellowship, firstly you have to visit our website www.ncpedp.org. मैं आशा करता हूं कि सभी को चीजें ठीक से समझ में आ रही होंगी, और इसके साथ साथ अगर कोई परेशानी हो तो आप चैट के द्वारा लिखें और समय आने का इंतजार करें जिस समय आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं. आई होप वॉट एवर आई हैव ट्राइड टू टॉक अबाउट द फेलोशिप मस्ट हैव बीन क्लियर टू यू ऑल. इन केस यू आर स्टिल हैविंग डाउट्स देन डू यूज द चैट ऑप्शन or wait for your turn at the end of this session to ask your queries. तो आप देख सकते हैं आप कि आप जब ncpedp.org पर जाएंगे तो उसके मेन पेज में all you need to do is scroll down page. जैसे ही आप मेन पेज में जाएंगे तो आपको स्क्रोल करके नीचे आना है और आपको एक हेडिंग मिलेगी ncpedp जावेद आबिदी फेलोशिप ऑन डिसेबिलिटी. So the moment you scroll down, you will be highlighted with a dedicated section on NCPEDP Javed Abidi Fellowship on Disability. यहाँ पे मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले आप प्रोग्राम इंफॉर्मेशन को क्लिक करें. So there is a head that is dedicated to the program related information on this fellowship. I request you all to first click on that section and go through the entire program information, especially program information, frequently asked questions and application form. खासकर program information, application form और frequently asked question के जो खंड हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ें, समझें और जहां परेशानी हो वहां हम मदद करने के लिए हैं. In case you still have doubts, then we are always there to help you out. सारी जानकारी को पढ़ने और समझने के लिए बाद एक खंड है एप्लीकेशन फॉर्म को, आप उसको क्लिक करेंगे. सो देयर इज अ सेपरेट सेक्शन व्हिच इज डेडिकेटेड टू एप्लीकेशन फॉर्म. सो द मोमेंट यू हैव गॉन थ्रू द प्रोग्राम इंफॉर्मेशन एंड अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन पुट अप ऑन आवर वेबसाइट, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू क्लिक ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म. देयर यू विल सी अ सेपरेट लिंक. You have to click that link to download the application form and fill it. वहां पे आपको एक अलग से लिंक दी जाएगी जहां पे आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और भर सकते हैं. इसके साथ साथ इसी खंड में आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की गाइड भी मिलेगी. So in this section itself, you will also see a link that will provide you the guide to fill this application form. So I request you all to go through this link so that you understand how to apply for this fellowship. मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि गाइड जो है दिया हुआ आवेदन पत्र के लिए उसको जरूर पढ़ें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए कि किस तरह से.
अब आगे बढ़ते हुए हम फिर से जो बातें गाइड में लिखी हुई है उसको हम लाइव देखते हैं. सो वॉट एवर हैज बीन मेंशन्ड इन द गाइड विल गो थ्रू इट, विल हैव अ ओवरसाइट टू इट इन अ लाइव मैनर. तो मैं आप सभी के समक्ष लाइव एक फॉर्म का उदाहरण पेश करता हूं. सो आई विल बी पुटिंग फॉरवर्ड एन एग्जांपल सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन फिल अ फॉर्म. डाउनलोड करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को एक ठीक एप्लीकेशन से खोलना है, जैसे कि गूगल डॉक्स हो गया या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. आफ्टर यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन फॉर्म यू नीड टू यूज अ राइट एप्लीकेशन टू फिल दिस एप्लीकेशन फॉर्म. सो देयर आर फाइव सेक्शंस इस आवेदन पत्र में, पांच भाग हैं. And all of these sections and all the questions in the sections are mandatory. यह सभी भाग जो हैं और सभी सवाल जो हैं अलग अलग खंडों में विभाजित किए गए हैं और सभी को भरना अनिवार्य है. तो पहला भाग जो है यह आपकी जानकारी के बारे में है. So the first section is all about your personal profile. To start with, you have to first provide your full name. So in the entire form, there is a question and there is a dedicated section where you have to fill the required information. पूरे फॉर्म में एक सवाल है और उसके साथ साथ एक जगह दी गई है, उस जगह में आपको अपने जानकारी को भरना है. So full name, आपको अपना नाम भरना है. यहाँ उदाहरण के लिए मैंने टाइप कर दिया है. इसके बाद एज, जो भी आपकी उम्र है उसको भरना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू पुट इन योर एज. थर्ड क्वेश्चन इज जेंडर, वेयर यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. जो तीसरा सवाल है वो आपके लिंक के बारे में है, जहां पे आपको मल्टीपल चॉइस ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें आपको किसी एक ऑप्शन का चुनाव करना है. यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑप्शन आउट ऑफ द वंस हाईलाइटेड ओवर देयर. अब इसका चुनाव हम कैसे करेंगे, तो एस्ट्रिक से करेंगे. So to select any of the options, you have to use asterisk. और यही प्रक्रिया बाकी सवालों में भी होगी जहां पे आपके पास multiple choice option है. So for in the entire form, wherever you see a multiple choice question, you have to use asterisk to choose a particular option. तो यहाँ पे मैंने gender में भी asterisk के द्वारा चुनाव कर लिया female link का. So I have used asterisk to select a gender that is female in this example. इस उदाहरण में अब आगे बढ़ते हुए सवाल है कि क्या आप person with disability हैं, क्या आप विकलांग हैं. Are you a person with disability? ये फिर से multiple choice option है, आपको एक चुनाव करना है. You need to select one option to answer whether you are a person with a disability. In case you have opted for yes, then you need to mention your disability in the next question. अगर आपने हाँ का चुनाव किया है तो अगले सवाल में आपको उस विकलांगता के बारे में लिख देना है. The next questions are related to your permanent address and corresponding address. So you have to fill that accordingly. जो अगले दो सवाल हैं उसमें आपको अपना परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डिंग एड्रेस भर देना है. उसके अगले सवाल में आपको अपने ईमेल एड्रेस की जानकारी देनी है. सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू प्रोवाइड योर ईमेल एड्रेस. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड प्रेफरेबली अ व्हाट्सएप नंबर सो दैट द सेम कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन. जो अगला सवाल है उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर देना है या कॉन्टैक्ट नंबर देना है, और बेहतर यही होगा कि आप व्हाट्सएप नंबर दें ताकि भविष्य में आने वाली सूचना को हम सही तरीके से प्रसारित कर सकें. इसके बाद भाग दो आ जाता है, जहां पे आपको अपने पढ़ाई से जुड़ी जानकारी देनी है और जॉब का अगर कोई एक्सपीरियंस हो तो उससे जुड़ी जानकारी देनी है. सो नेक्स्ट सेक्शन यू हैव टू प्रोवाइड योर एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू फिल डिटेल्स रिगार्डिंग योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. पहले सवाल में आपको अपने पढ़ाई से जुड़ी जो जानकारी है
वह प्रदान करनी है. In this question, you have been provided a matrix kind of pattern where on the left side, we have highlighted various levels of education and corresponding to that, you have to provide details of that particular education level as the question has been asked in each of the columns. एक आपको मैट्रिक्स नुमा पैटर्न में यहाँ पे सभी जानकारी भरनी है जहाँ पे बाएं हाथ में सभी अलग अलग स्तर के जो पढ़ाई के स्तर हैं उनको बताया गया है और हर एक स्तर के लिए आपको कुछ जुड़ी जो जानकारी है वो कॉलम में पूछी गई है हर कॉलम के अनुसार में भरनी है. तो उदाहरण के लिए जैसे मैट्रिकुलेशन अगर आपने बिहार से किया है तो पहला सवाल और पहला कॉलम में स्टेट के नीचे आप बिहार लिखेंगे. दूसरा कॉलम पूछा गया है किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने यह मैट्रिकुलेशन किया है तो उसके लिए आप बिहार बोर्ड लिखेंगे. यह उदाहरण है जैसा मैं बता रहा हूं वैसा नहीं लिखना है. किस साल से मैं शुरू किया और किस साल में अंत किया इसकी जानकारी अगले दो खंडों में देनी है. उसके बाद यह फुल टाइम था या पार्ट टाइम था इसकी जानकारी देनी है और यह खत्म करने के उपरांत आपको क्या उपाधि मिली इसकी जानकारी देनी है. अब फुल टाइम या पार्ट टाइम वाली बात को मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा कि अगर आपने किसी ओपन स्कूल से या ओपन यूनिवर्सिटी से किया है कोई कोर्स तो वहां आप पार्ट टाइम लिखेंगे और क्वालिफिकेशन जो भी उस पढ़ाई को खत्म करने के बाद आपको डिग्री मिली या उपाधि मिली उसको लिख देंगे. जैसे मैट्रिकुलेशन करने के बाद आप मैट्रिकुलेट हो जाते हैं तो आप क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेट लिख सकते हैं या कंप्लीटेड मैट्रिकुलेशन या सीनियर सेकेंडरी या जो भी हो. So, in case of matriculation, suppose you have completed it from the state of Bihar, you will mention Bihar corresponding to the column mentioning state. Then in the next column, where you have to fill the name of the board or university, suppose you have completed it from Bihar board, then you will mention Bihar board. Then in the next two sections, you are asked to mention the time period where you will be mentioning from which year to which year you completed your particular educational qualification. Then in the next section, you have to mention whether you have done it in a full-time manner or in a part-time manner. In case you have done this educational qualification or completed this educational qualification from an open school or open university, then mention part-time. Otherwise, it will be a full-time course. In case of qualification, you will be mentioning the degree or the acknowledgement that you receive after completing that particular educational qualification. For example, after completing matriculation, you can call yourself as matriculate or you can be qualified as someone who has completed matriculation. So, उसी तरह से लिख देना है. इसी तरह से आपको बाकी भी जो जानकारी है सीनियर सेकेंडरी की ग्रेजुएशन की मास्टर्स की वो आपको भर देनी है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू फिल अदर इंफॉर्मेशन लाइक मे बी एप्लीकेबल टू each of one of you related to senior secondary level of education, graduation, masters and other things. Second question in this section asks for a professional experience. जो दूसरा सवाल है इस भाग में वो आपके job वगैरह से जुड़े जो अनुभव हैं उसके बारे में पूछ रहा है जहाँ पे पहला खंड है जिसमें पूछा गया है कि क्या आप fresher हैं हाँ या नहीं. So the first section or the first question in this particular question is whether you are a fresher or not. So you have to use asterisk to choose either of the two. आप asterisk के मदद से किसी एक का चुनाव करेंगे. अगर आपने ये बोला है कि आप fresher नहीं हैं, यानी ना का चुनाव किया है, in case you have opted for no and you have a considerable amount of experience, then you will fill in details about your employment in the next question. आप अगले सवाल में जो भी आपका जॉब वगैरह का अनुभव है उसके बारे में जानकारी देंगे. जैसे फिर से यहाँ पे एक मैट्रिक्स पैटर्न है जहाँ पे आपको अलग अलग जानकारी भरनी है ऊपर दिए गए कॉलम में जो भी सवाल पूछे गए हैं उसके हिसाब से. फिर से यहाँ पे आपको एक सो अगेन यू विल सी अ मैट्रिक्स काइंड ऑफ पैटर्न वेयर इन ईच ऑफ द कॉलम यू हैव
been asked to fill a particular information and accordingly you will be filling up information of your employment. जैसे कि पहला कॉलम है उसमें पूछा गया है कि किस संस्था में आप काम करते थे यानी नाम. तो यहाँ पे मैंने उदाहरण के लिए ले लिया है कि आप शायद टेलीलिंक में काम करते हैं तो टेलीलिंक का लिया. दूसरा कॉलम में पूछा गया है कि एड्रेस क्या है, तो आप एड्रेस जो भी उस कंपनी का है हेड ऑफिस का वो दे देंगे या जहां पे भी आप कार्यरत थे उसकी जानकारी आप दे देंगे. फिर उसके अगले दो भाग में कब से कब तक थे उसकी जानकारी दे देंगे. अगर आप अभी उस संस्था में काम कर रहे हैं तो टू के कॉलम में प्रेजेंट लिखेंगे और किस तरह से वहां कार्यरत थे उसकी भी जानकारी अगले खंड में देनी है जहां पे आप उदाहरण के लिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मान लीजिए टेलीलिंक में आप सेल्स एग्जीक्यूटिव थे तो आपने सेल्स एग्जीक्यूटिव लिखा फिर सेमीकोलन देके बताया कि आप क्या क्या काम करते थे कि जैसे अपने स्तर पे जो मीटिंग वगैरह थी रिटेलर से दुकानदारों से ये सब आप करते थे. सो टू हाईलाइट वन एग्जाम्पल एज टू हाउ यू आर गोइंग टू फिल द एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स. In the first column, you have been asked to name the organization with which you were involved with. So suppose you were involved with this company named Telelink, you will mention it as a Telelink. Then you will provide its address in the next section. In the next two sections, you will highlight the time frame up till when you were involved with a particular organization. In case you are still working in that organization, then you will mention present in the two section. And in the last section, you have to give a brief about your position and responsibility. So suppose you are working as a sales executive, you will mention sales executive and then you will use semicolon and highlight various responsibilities like you were coordinating with regional retailers or meeting with them. So is prakriya se aapko jitni bhi jankari hai, ye aapko भरते जानी है. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी अभी तक की प्रक्रिया समझ में आ रही होगी. जी हाँ. यस सर. ओके. यस सर. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ यू आर गोइंग टू फिल दिस एप्लीकेशन फॉर्म. इन केस यू आर हैविंग डाउट्स दैट यू कैन ऑलवेज यूज then you can use the option of chat and wait for your turn at end of this session to highlight your queries. Is satr ke ant mein aap apne sawalon ko pooch sakte hain ya chat ka istemal karte hue apne jo bhi sawal hai usko samne rakh sakte hain. To teesra jo sawal hai wah hai bhasha ki jankari ke bare mein. So the next question asks about language proficiency that you have. To usme bhi ek matrix बना हुआ है जिसमें आपको अलग अलग कॉलम में जो भी सवाल पूछे गए हैं उसके हिसाब से चीजों को अंकित करना है कि यहाँ पे आपको किस भाषा की किस तरह की जानकारी है पढ़ने के हिसाब से लिखने के हिसाब से बोलने के हिसाब से. सो अगेन यू विल सी अ मैट्रिक्स पैटर्न वेयर यू हैव टू फिल इन डिटेल्स ऑफ वेरियस लैंग्वेज दैट यू आर अवेयर ऑफ इन टर्म्स ऑफ रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग. अब प्रोफिशिएंसी लेवल्स के लिए कोडिंग दी गई है जो भी आप समझते हैं कि आप इसकी भाषा की जानकारी लिखने बोलने और पढ़ने के हिसाब से यह है उसके हिसाब से यहाँ पे सवाल में इंकित किया गया है एक कोड. जैसे एक उसके लिए है जहाँ पे बहुत कम जानकारी है. अगर आपको ठीक ठाक जानकारी है तो दो का इस्तेमाल करेंगे, अगर बहुत अच्छी जानकारी है तो तीन का इस्तेमाल करेंगे. So there are codes which refer to different levels of proficiency. One refers to limited knowledge of a language. Two refers to average knowledge of a language. And three refers to a proficient level of a knowledge. So accordingly, you will fill the section. जैसे English में अगर आपको पढ़ने की ठीक ठाक जानकारी है तो आप दो लिखेंगे, लिखने की ठीक ठाक जानकारी है तो दो लिखेंगे, बोलने में कम जानकारी है तो एक लिखेंगे. सपोज यू आर अवेयर ऑफ दिस लैंग्वेज इंग्लिश, देन यू विल मेंशन इंग्लिश अंडर द लैंग्वेज कॉलम, देन यू विल मेंशन टू अंडर रीडिंग इन केस यू हैव एवरेज अंडरस्टैंडिंग और प्रोफिशिएंसी ऑफ दिस लैंग्वेज.
Similarly, you will mention two in case you have an average proficiency in writing this language. And suppose you have a limited knowledge of speaking this language, then you will mention one in case of speaking section. In the next question, you have to mention about your computer literacy, where you have to mention various computer applications that you are aware of and you use. जो भी आप कंप्यूटर में अलग अलग तरह के एप्लीकेशन वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसकी जानकारी को अगले सवाल में लिखना है. जैसे उदाहरण के लिए मैंने टाइप किया है कि मुझे एमएस ऑफिस की जानकारी है, एमएस पेंट की जानकारी है. सो एज एन एग्जांपल आई हैव मेंशन दैट आई एम अवेयर ऑफ टू एप्लीकेशंस. वन इज एमएस ऑफिस, द अदर इज एमएस पेंट. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन you have to provide writing references like articles, essays, blog, or any academic written material that you have worked upon. आपने कुछ अगर पहले social media के लिए कुछ लिखा हो या कुछ निबंध लिखा हो या ऐसे चीजें लिखी हो या शोध करके कुछ चीजें लिखी हो तो उसकी जानकारी को यहाँ देना है. अब लिंक देना है यानी आप गूगल ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल डॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका लिंक दे सकते हैं. और वो करने की प्रक्रिया आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल में मिल जाएगी. अगर ऐसा करना मुश्किल है तो आप ईमेल में अटैचमेंट के साथ, इस आवेदन पत्र के साथ जो अटैचमेंट है उसमें आप अटैचमेंट डाल सकते हैं. सो सपोज यू डू नॉट हैव एनी पब्लिश्ड ऑनलाइन रिटन मटेरियल एंड यू still want to share your written materials, then you can make use of Google Docs, Google Drive. And in case you find difficulty in terms of using that or learning that from various tutorials that are already available on YouTube, then you have to send your written materials as attachments. Agar aap fresh bhi koi nibandh likhna chahte hain, koi to aap अलग से लिख सकते हैं, अटैचमेंट के द्वारा भेज सकते हैं, गूगल डॉक्स गूगल ड्राइव के द्वारा लिंक भेज सकते हैं. इन केस यू वांट टू राइट अ फ्रेश एनी एसे और एनीथिंग दैट यू माइट बी इंटरेस्टेड इन, देन यू कैन यूज एप्लीकेशंस लाइक गूगल डॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड सेंड इट टू अस एज अटैचमेंट और यूजिंग अ लिंक. जो छठा सवाल है इसमें आपको एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में जानकारी देनी है, यानी पढ़ाई वगैरह के अलावा आपने अगर कुछ काम किया है या भाग लिया है किसी चीज में तो उसकी जानकारी देने है. इन केस यू हैव पार्टिसिपेटेड इन एनी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज देन यू हैव टू हाईलाइट दैट पर्टिकुलर थिंग इन दिस सेक्शन. अब आइए आगे बढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग में, जो कि तीसरा भाग है जहां पे आपके रुझान को समझने की कोशिश की गई है. सो इन द नेक्स्ट सेक्शन विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज सेक्शन 3, वेयर द होल आइडिया इज टू अंडरस्टैंड योर इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन टूवर्ड्स डिसेबिलिटी. तो पहला सवाल जो है यहाँ पे आपको बात करनी है कि आप किस मुद्दे के ऊपर काम करना चाहते हैं, किस मुद्दे के ऊपर आप मुहिम करना चाहते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क फॉर द थीम और अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ डिसेबिलिटी वेयर यू विल लाइक टू पुट इन योर एफर्ट्स ड्यूरिंग दिस फेलोशिप प्रोग्राम एंड यू हैव टू अकॉर्डिंगली फिल दिस सेक्शन. द सेक्शन मेंशंस दैट यू आर नॉट सपोज टू यूज मोर देन 500 वर्ड्स. But it also doesn't mean that you have to just fill it because for the sake of it. यहाँ पे यह लिखा हुआ है कि समय, ये जो शब्द की सीमा है वो 500 शब्दों की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ शब्दों को लिख के ही बस फॉर्म भरना है इसलिए भर के खत्म कर देंगे. So don't fill this section just for the sake of it. Utilize your time to think about the theme of interest and accordingly fill this section, utilize this section. समय अभी काफी है, आप अच्छे से सोचिए कि आप किस मुद्दे के ऊपर काम करना चाहते हैं, किस मुद्दे के ऊपर मुहिम करना चाहते हैं और उसके बारे में अच्छे से चर्चा कीजिए. जो अपनी बातें हैं उसको लिखिए
ताकि हम समझ सकें कि आपका रुझान क्या है। इसी तरह से अगले सवाल में आपको मोटिवेशन के बारे में बात करनी है। सिमिलरली इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू मेंशन अबाउट मोटिवेशन फॉर ज्वाइनिंग दिस फेलोशिप एंड यू हैव टू मेंशन थिंग्स लाइक हाउ दिस फेलोशिप इज गोइंग टू बी हेल्पफुल इन व्हाट यू वांट टू डू, हाउ दिस फेलोशिप बेयर्स द पोटेंशियल टू टेक यू टू द प्लेस वेयर यू वांट टू बी। ऐसी चीजों के बारे में आपको चर्चा करनी है जहां से पता चले कि ये फेलोशिप आपको किस तरह से मदद करेगा उस जगह पहुंचाने में जहां आप पहुंचना चाहते हैं, या आप जो इस मुद्दे पर काम करना चाहते हैं उसको आगे बढ़ाने में किस तरह से ये मदद करेगा। ऐसी चीजों के बारे में यहाँ पे आपको चर्चा करनी है। फिर यहाँ पे देखें कि आपको अच्छे से जो जगह दिया गया है इसका इस्तेमाल करना है और ठीक तरीके से समझाना है कि आप क्यों इतना प्रेरित हैं इस फेलोशिप के लिए। सो यू हैव टू यूटिलाइज दिस सेक्शन एंड टाइम एज वेल टू फिल दिस सेक्शन इन अ वे सो दैट वी गेन क्लैरिटी एज टू व्हाई यू आर सो मोटिवेटेड टुवर्ड्स दिस फेलोशिप। तो इस चीज की जानकारी आप दोनों भागों में अच्छे तरीके से दें। सो फिल बोथ द सेक्शंस वेरी केयरफुली इन टर्म्स ऑफ टॉपिक्स लाइक had been mentioned by our executive director, there can be various topics that are necessary and need of this age, like access to health, access to infrastructure, access to information. So you can accordingly think of a topic that is of a need for the community, which is usually neglected. Jo viklang log hain, jinko darkinar kiya jata hai samaj mein, unse jude hue kai mudde hain. तो ऐसे कई मुद्दों के बारे में हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री अरमान अली ने भी चर्चा की कि सेहत से जुड़े मुद्दे हैं, आवाजाही के से जुड़े मुद्दे हैं, जो चाहे पब्लिक बिल्डिंग्स वगैरह में हो गए या ऑफिस में हो गए, तो ऐसे मुद्दों के ऊपर आप काम क्यों करना चाहते हैं, ऐसे कौन से मुद्दे और भी हैं जो कि दिव्यांगजनों इस मुहिम को एक नई दिशा दे सकती है, तो उस बारे में अच्छे से सोचें उसके बाद लिखें और इसी तरह से आगे मोटिवेशन के बारे में भी चर्चा करें। सो इन द नेक्स्ट सेक्शन आल्सो राइट केयरफुली अबाउट योर मोटिवेशन। चौथा भाग रेफरेंसेस के बारे में चर्चा करता है। सो इन द नेक्स्ट सेक्शन मेंशंस अबाउट योर रेफरेंस वेयर यू हैव टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ अ पर्सन हु माइट नो द काइंड ऑफ वर्क यू डू और द काइंड ऑफ पर्सन यू आर। जो अगला भाग है इसमें आपको ऐसे रेफरेंसेस ऐसे लोगों को देने हैं जो आपके काम को जानते हैं, समझते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको बढ़ावा देना चाहते हैं, ऐसे लोगों का जानकारी आपको यहाँ पे भरना है। जैसे कि अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप अपने सीनियर का दे सकते हैं, प्रोफेशनल एक रेफरेंस हो गया, और उससे जुड़ी जानकारी दे सकते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन में थे, किस पद पे वह कार्यरत थे, उनका ईमेल आईडी क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, यह भर सकते हैं इस मैट्रिक्स नुमा पैटर्न में। सो सपोज यू आर हैविंग अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, देन यू कैन मेंशन अ नेम ऑफ योर सीनियर, हिज द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हिज डेजिग्नेशन, हिज और हर ईमेल आईडी, देयर टेलीफोन नंबर, and mention them as a professional experience in this matrix kind of format. इसी तरह से जो fresher हैं वह academic reference का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, जहाँ पे अपने professor का reference दे सकते हैं। So suppose you do not have any employment experience, then you can use reference of your professors as a academic reference. और एक और reference का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, suppose कि आप किसी इनफॉर्मल संस्था से जुड़े हुए हैं, जैसे आप अपने मोहल्ले के अंदर किसी क्लब से जुड़े हुए हैं, जहां मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है कि आप एक युवा स्पोर्ट्स क्लब के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये रेफरेंस जो होगा ये आपका पर्सनल रेफरेंस होगा। यू कैन ऑल्सो यूज अ पर्सनल रेफरेंस फ्रॉम एनी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर पार्ट विद, लाइक आई हैव टेकन एग्जाम्पल that you are engaged with this Yuva Sports Club and you
your secretary in that particular club is aware of your work, so you can use that as a reference. तो इस तरह से आप उनको रेफरेंस पर्सनल रेफरेंस कर सकते हैं. आप अपने पेरेंट्स दोस्त ये सब रेफरेंस को इस्तेमाल पर्सनल में ना करें. इट इज एडवाइज दैट यू आर नॉट यूजिंग रेफरेंसेज लाइक योर पेरेंट्स और फ्रेंड्स एज अ पर्सनल रेफरेंस इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन. जो आखिरी भाग है जहाँ पे और भी जानकारी आप दे सकते हैं वो वहां पे पहला सवाल है कि क्या आप इस फेलोशिप प्रोग्राम के दौरान कहीं अगर आपको सफर करना हुआ तो क्या वह आपके लिए सुखदायक होगा. तो उसमें आपको चुनाव करना है कि आप सुखदायक महसूस करेंगे या नहीं करेंगे, और एस्ट्रिक से इसका चुनाव आप कर सकते हैं. सो इन द नेक्स्ट सेक्शन विच इज द लास्ट सेक्शन यू हैव टू प्रोवाइड फ्यू एडिशनल इन्फॉर्मेशन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव बीन आस्क्ड वेदर यू विल बी कंफर्टेबल while traveling during the fellowship. So you have to opt one of the options using asterisk. अब जहाँ तक सफर की बात आती है तो शुरुआत में या फेलोशिप में अभी जो भी प्रक्रियाएं होंगी वह ऑनलाइन माध्यम द्वारा होगी, और जो भी सरकार द्वारा नियम लागू किए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए किए होंगे. So at the beginning of this fellowship program, travel may not be required and most of the activities will be conducted on online platforms respecting the pandemic norms that have been initiated by the local authorities or the central government. In the next question, you have been asked whether you will be requiring any reasonable accommodation to support your participation. तो अगले सवाल में यह पूछा गया है कि क्या आपको ऐसे रहने की सुविधा चाहिए होगी जो कि आपको इस फेलोशिप में भाग लेने में मददगार करेगी, तो उसकी भी जानकारी आपको भर देनी है. सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू मेंशन सच रिक्वायरमेंट्स व्हाट एवर दैट मे बी. जो भी आपसे जुड़े हुए हैं जानकारी उसको आपको अगले सवाल में भर देनी है. तीसरा सवाल जो है वह आपसे पूछा जा रहा है कि इस फेलोशिप के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली, वेबसाइट, सोशल मीडिया, जो भी है उसको आपको भर देना है. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम वेयर यू गॉट टू नो अबाउट दिस फेलोशिप, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन. सो यू हैव टू फिल इट लाइक वेदर यू गॉट टू नो अबाउट दिस फेलोशिप फ्रॉम वेबसाइट और सोशल मीडिया और व्हाट एवर दैट मे बी. यू हैव टू फिल इट अकॉर्डिंगली. जो आखिरी भाग है वहां पे एक डिक्लेरेशन है. Then last section is all about declaration. यहाँ पे यह दावा आप करेंगे कि आपने जो भी जानकारी इस आवेदन पत्र में दी है वह सही है. So you will be acknowledging the fact that whatever information that you have provided in this particular application form is correct information. And to do so, you will use asterisk marks in I accept section. आप ऐसा करने के लिए आई एक्सेप्ट जो भाग है उसमें एस्ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, और आखिरी में अपना नाम लिखेंगे. जिस भी शहर से आप यह आवेदन पत्र भर रहे हैं उस शहर का नाम लिखेंगे और तारीख लिखेंगे. सो इन द एंड यू विल मेंशन योर नेम, द सिटी और टाउन फ्रॉम वेयर यू आर फिलिंग दिस एप्लीकेशन फॉर्म, यू विल मेंशन दैट लोकेशन एंड देन डेट. यह सब करने के बाद so after you have completed this application process, you will be emailing this application form to ncpedp.fellowship@gmail.com. इस आवेदन पत्र को ठीक तरीके से भरने के बाद आप इसको ईमेल से भेजेंगे ncpedp.fellowship@gmail.com. इस आवेदन पत्र को भेजने की आखिरी तारीख जो है वो अगस्त 11, 2021 है. सो द डेडलाइन टू सेंड दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज अगस्त 11, 2021. यह सीमा, समय सीमा काफी है, और इस फॉर्म को हम अनुरोध करेंगे कि आप हर एक भाग को अच्छे तरीके से भरें, किसी भाग को छोड़े नहीं, सोच समझ के भरें. सिर्फ पहले भेज देने से आपका चुनाव इस प्रोग्राम में नहीं किया जाएगा.
You have enough time in your hand, so utilize this time to carefully fill each and every section, because we won't be selecting the application forms on a first come first serve basis. अच्छा, इसके बाद आपको ईमेल में सब्जेक्ट लाइन जो लिखना है वह यह लिखना है, फेलोशिप एप्लीकेशन, और उसके बाद अपना खुद का नाम, पूरा नाम. सो इन द सब्जेक्ट लाइन ऑफ योर ईमेल यू हैव टू मेंशन फेलोशिप एप्लीकेशन एंड देन यू हैव टू प्रोवाइड योर फुल नेम आफ्टर दैट. नाउ देयर आर सर्टेन अटैचमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन दिस ईमेल. फर्स्ट इज disability certificate in case you have it and you are a disabled person. Then a copy of your government approved photo ID card and attachments of your written material in case they are not published online and you have issues using Google Docs and Google Drive. So is email ke sath aapko kuch dastavej bhi sath mein bhejna hai, jisme pehla hai disability certificate agar aap viklang है और आपके पास यह सर्टिफिकेट है तो आप इसको जरूर भेजें. इसके साथ साथ सरकार द्वारा अनुमानित जो आईडी कार्ड हैं, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसको भी अटैच करें. अगर आपने जो भी लिखा है, जैसे निबंध वगैरह लिखा है जो कि पब्लिश ऑनलाइन नहीं है, तो अलग से लिख के उस अटैचमेंट को भेज सकते हैं अगर आपको गूगल डॉक्स, गूगल ड्राइव इस्तेमाल करने में परेशानी हो. ध्यान रहे कि इन सब चीजों के साथ ही आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे तब वह आगे की प्रक्रिया के लिए इंकित किया जाएगा. सो प्लीज डू कीप दिस इन माइंड दैट द मोमेंट यू सेंड अस दिस एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड attachments, only then your candidature will be allowed for further processes of selection. So I hope आपको clarity मिली होगी कि किस तरह से आपको form भरना है और इसको भेजना कैसे है. So I hope you were able to understand how you are going to fill this application form and then send it to us. आगे बढ़ते हुए अब हम आपके सवालों को लेंगे. वी विल यूज द टाइम दैट इज लेफ्ट विथ अस टू टेक अप योर क्वेश्चंस एंड रिजॉल्व एज मच क्वेरीज एज वी कैन. समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम जितना भी सवाल जवाब साथ में आपके कर सकें उसके ऊपर चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं कि अगर कोई सवाल चैट में हो तो. देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मंजुनाथ सदार. ही सेज आई एम मंजुनाथ सदार, 58 इयर्स ओल्ड, कॉमर्स ग्रेजुएट फ्रॉम बेंगलुरु एंड वेरी मच इंटरेस्टेड इन टेकिंग पार्टिसिपेशन विद गुड नॉलेज अबाउट द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय दिव्यांगजन. काइंडली लेट मी नो वेदर आई कैन अप्लाई फॉर द फेलोशिप. So, Mr. Manjunath, I think with this question you are concerned about your age, considering our eligibility criteria. So, what I would like to mention here is, in case you are highly motivated towards the cause and you have enough of experience in this sector, then you are certainly most welcome to apply. आगे बढ़ते हुए ओके, और भी जो सवाल है. क्वेश्चन इज फ्रॉम क्षेमंत दर्जे. इन केस ऑफ रेजिडेंशियल फेलोशिप विल देयर बी एनी असिस्टेंस फॉर पर्सन हैविंग लोकोमोटर डिसेबिलिटी ऑफ 70%. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई माइट लाइक टू करेक्ट दिस दैट दिस इज नॉट अ रेजिडेंशियल प्रोग्राम, दिस इज अ फेलोशिप प्रोग्राम एंड दिस इज नॉट अ degree course where you have residential facilities. However, we will certainly provide you assistance of finding reasonable accommodation with our state partners so that you do not have that issue in the region where, wherever you might be working or you are interested in working.
Okay, next question. And we will also be providing stipend so that you can take care of such necessary expense like rent. Next question is from Anmol Sharma. Age 28 से कुछ month ऊपर हो गया है तो कोई problem तो नहीं है? हाँ, इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की कि eligibility criteria एक आधारभूत संरचना है जो कि हर एक program में जरूरी होती है, लेकिन अगर आपका रुझान काफी उम्दा है विकलांगता के ऊपर काम करने में, या आपने पहले भी काम किया है और आप उस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको जरूर इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, परहेज ना करें। नैन्सी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। हेलो सर। हेलो। In the second question, where there is written professional experience, yes. If I did any volunteering work in any disability school, so I can mention it now? Yes, you are most welcome to mention about such voluntary engagement. मैं सभी के लिए यह बात फिर से रखना चाहता हूँ, काफी अच्छा सवाल नैन्सी ने पूछा है कि अगर स्वतः से आपने किसी संस्था में काम किया है, मदद की है, और तो क्या वह अनुभव को आप वहाँ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के खंड में इंकित कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। So, and so if like if I have worked as a teacher in the disability school and it's for only 1 month, so I can mention the period, right? Yes, you can mention that period. Thank you, sir. बाकी भी जो स्वतः अगर काम करना चाहते किए हैं वॉलेंट्री बेसिस पे, वह भी अगर उसको मेंशन करना चाहते हैं तो आप जरूर मेंशन करें। समय सीमा से उसको ये परहेज ना करें कि कम सीमा है तो हम इसको वहां पे इंकित नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। अनमोल। यस सर, एक क्वेश्चन। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरे एक माइंड में एक क्वेश्चन है सर। मेरे एक्सीडेंट को 9 साल हो गए, स्पाइन कॉर्ड इंजरी हूँ, तो जी. सर मैंने 9 साल में अनुभव हो गया, एकेडमी वगैरह भी देखी, स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ, नेशनल में पार्टिसिपेट भी किया है, और दिव्यांग जनों के साथ खासकर मैं रहा भी हूँ, और खुद मैं व्हील चेयर पे हूँ, और रेवलेशन की मैं एक्सरसाइज कंटिन्यू अभी भी कर रहा हूँ, और साथ साथ में जो घर से मतलब गाँव से बाहर निकलते हैं उन बच्चों को, मतलब मेरे से छोटे एज में हूँ या बड़े एज में, उनको भी मैं मतलब बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता हूँ कि बहुत सी सुविधा आज है, उनका अच्छे से उपयोग किया जा सकता है, तो मतलब इसके बारे में थोड़ा और मतलब नॉलेज मिलेगी तो मैं इस मुहिम से जुड़ना चाहूंगा सर। जी बिल्कुल, आपके प्रयास को हम सलाम करते हैं और आपका स्वागत है इस मुहिम से जुड़ने के लिए। आपको स्टाइपेंड जैसी सुविधा मिलेगी और भी लोगों से मिलने की सुविधा मिलेगी, करीब करीब मैं जाहिर सी बात है कि आप घर से इतने लोगों के साथ काम करेंगे तो आप अपने मुहिम को सही दिशा दे सकते हैं। यस सर। अनमोल, आप एप्लीकेशन भेज सकते हैं, फिर सिलेक्शन कमिटी डिसीजन लेगी कि कौन सिलेक्ट होता है। ठीक है, थैंक्स। यस सर। हेलो सर। हेलो। हेलो सर, मैं निशा साझे सपने से, सपने वाली। हेलो। जी बोलिए। हेलो निशा, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। ओके सर। सर मैं ये फॉर्म तो फिल कर चुकी हूँ और जो आपने मतलब फॉर्म के बारे में डिटेल दिया है तो वैसे तो मैंने सारा ही फिल किया है, और जो आप वॉलंटियर की बात कर रहे हैं तो मैंने वॉलंटियर के रूप में भी मैंने कार्य किया है, और मैंने 2 संस्थाओं के साथ भी काम किया है, राइट टू एजुकेशन मिलान फाउंडेशन के साथ 2 साल और प्रवास संस्था के साथ 1 साल। तो सर आपको क्या लगता है, और मतलब मुझे तो ये लगता है कि मैंने फॉर्म अगर फिल किया है तो ये मुझे पता है कि डेडलाइन भी 11 अगस्त तक है, लेकिन इस काम कब स्टार्ट होगा?
जी, तो इसका जो काम है यह सितंबर से शुरू किया जाएगा. सो निशा हैड दिस क्वेरी, देन इफ द डेडलाइन इज August 11, 2021, देन फ्रॉम व्हेन द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कैन स्टार्ट देयर वर्क एज फेलोज. सो दैट इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर. हेलो सर, गुड इवनिंग. ओनली इफ एवरीथिंग इज स्टेबल कंसिडरिंग पैंडमिक, सभी चीजें ठीक अगर रही इस महामारी के दौरान, तो सितंबर से हम उम्मीद करते हैं कि यह काम शुरू किया जाएगा. ओके जी, सरोज जी, वेट फॉर योर नेम टू बी कॉल्ड आउट. आरती प्लीज, जिसका नाम बोला जाए वही सवाल पूछे. तो आरती या गणेश, शशांक, चैतन्य, दे हैव पुट देयर हैंड्स अप, इन तीनों से पूछ के आप लोग भी अपना हाथ ऊपर कीजिए, जो सिंबल है हाथ वाला, तो पोर्ट्रेट कर देंगे हम. आपका नाम बोला जाएगा तब सवाल पूछेगा, या अगर आपको सवाल है तो यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स. आरती गणेश, प्लीज गो ऑन. गणेश हेलो सर, आई एम ऑडिबल. क्वेश्चन, यस. हां, आपकी आवाज आ रही है, पूछिए. जी सर, हां, मैं ये बताना चाहता था, जैसे सपोज अगर मैं इस प्रोग्राम में जुड़ जाता हूं और मैं पहले से एक ऐसे संस्थान में काम कर रहा हूं जहां पर हम 12-13 एक्टिविटीज पर काम करते हैं, और ये इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, और स्पेशली ये गांव के लोगों और गरीबों के लिए हम काम करते हैं, उनकी जरूरतें पूरे करने के लिए. जैसे एग्जांपल के तौर पर हम सोलर पर, वाटर पर, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, इन पर कार्यरत हैं. तो क्या इसमें जुड़ने के बाद में अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हम कुछ कर सकते हैं? देखिए, यह फेलोशिप में आप अलग अलग संस्थाओं के साथ काम करेंगे और इसमें काफी काम रहेगा, तो निश्चित तौर पर आप बहुत ही संस्था, बहुत सारी संस्थाओं के साथ भी काम करेंगे, उनके लिए भी काम करेंगे. लेकिन क्या आप जिस संस्था से अभी जुड़े हुए हैं वह विकलांगता के विषयों पर काम करती है या नहीं करती है, या हमारे पार्टनर संस्था में आती है या नहीं आती है, इसकी जानकारी अभी हमारे पास नहीं है, जो कि समय के साथ हमें मालूम हो जाएगी. लेकिन अगर विकलांगता के विषयों पर काम करती है तो निश्चित तौर पर हम ऐसे संस्थाओं के साथ साझा कर सकते हैं. अगर विकलांगता के विषयों पर काम नहीं करती है, तब हम यही बोलेंगे कि आप अपने काम के साथ साथ अगर इस फेलोशिप की जिम्मेवारी को उठा पाएंगे तो जरूर आवेदन पत्र भरें. बिल्कुल हाँ. तो सर यही मैं लास्ट में पूछना चाह रहा था कि सपोज मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ तो उसके साथ साथ में मैं ये फेलोशिप भी कर सकता हूँ. जी, ये आपके खुद के ऊपर है कि आप इसको साथ साथ कर निभा पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिम्मेवारी खाली आपके खुद की नहीं है, एक बहुत बड़ा समाज है जो कि दरकिनार किया हुआ समाज है. तो आपके कंधों पर कोई आसान जिम्मेवारी और कुछ मामूली जिम्मेवारी नहीं होगी, तो उसका ध्यान रखते हुए आवेदन पत्र भरें. दूसरा सर एक चीज और, जैसे सपोज मैं खुद डिसेबल पर्सन हूँ, तो जैसे अगर बाय द वे मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो उसके लिए कोई लोकेशन पर काम करना होगा हमेशा, या फिर जैसे वर्क फ्रॉम होम, या फिर कभी कभार फील्ड में जाना होगा? देखिए, शुरुआत में जैसे हमने समझाया कि आप अपने जो इंटरेस्ट, जहां आपका रुझान है, जिस मुद्दे पर, विकलांगता से जुड़े मुद्दे पर, उसके ऊपर काम करेंगे और उस जगह काम करेंगे जहां पे आप काम करना चाहते हैं. अब उस जगह पे अगर हमारे जो पार्टनर संस्था हैं वह अगर होंगे तो बेहतर, नहीं तो आपका जो जगह आपने चुनाव किया होगा कि मैं इस जगह पे काम करना चाहता हूं, उसके किसी पास ही के जगह में आपको काम करने का हम कोशिश करेंगे कि आप उसी जगह पे काम करें. सो व्हाट गणेश हैज आस्क्ड दैट वेदर अ पर्सन will be working from home or working from a region of his preference. So as I have mentioned before, that firstly you need to choose a topic of your interest and then work on advocating that particular issue in a region of your interest. Now, if we have a partnering organization then in that particular region, then we will certainly
engage you with that particular organization. In case we do not have a partnering organization in that region, then we are pretty sure that we have enough number of partnering institutions that you won't be far away from your region of preference. Sumit, can I add? सवाल हम लेंगे. जी, अरमान. हाँ. तो फेलोशिप पे आप अप्लाई कर रहे हैं, प्लीज समझ लीजिए, फेलोशिप ऐसा नहीं है कि एनसीपीडीपी आपको कोई कोर्स करवा रही है. ये फेलोशिप विकलांग लोगों के लिए है. दिस फेलोशिप इज फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी या यूथ विद डिसेबिलिटी ऑन द इशू दे वांट टू वर्क विद. अगर कोई लेप्रेसी से अफेक्टेड है और लेप्रेसी यूथ को एम्प्लॉयमेंट पे काम करना चाहता है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर विषय है, और जहां है रहता है वहीं पे काम करके उस एरिया में बदलाव लाना चाहता है, तीन साल में, दो साल में, एक साल में, जैसे कि मैंने पहले कहा, व्हाट एवर इशू यू आर इंटरेस्टेड इन, उस इशू पर एनसीपीडीपी मेंटर करेगा आपको, आपको सपोर्ट करेगा, सो दैट यू आर एबल टू वर्क. एक कोई भी, जैसे सुमित ने बताया, कोई भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है. तो ऐसा नहीं कि हम कर्म है कि हम कहाँ जाना पड़ेगा, ये आपको करना है. हम आपको एम्पावर कर रहे हैं कि आपको अगर जुनून है, इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, कि मैं मेरे शहर में सारे नहीं तो कम 100 स्कूल एक्सेसिबल बना दूंगा, यही मेरा काम है, इसके लिए मैं स्कूल विभाग के साथ या कमीशन से सब काम करूंगा, दो साल में मुझे ये करना है. तो डेटा निकालना, उसका रिपोर्ट भेजना, ये करना, क्या होता है एक्सेसिबिलिटी, कैसे ये होगा, वी विल सपोर्ट यू इन दैट. मुद्दा आपको चूज करना है. हम आपको ट्यूटर नहीं करेंगे कैसे करना है, क्या करना. इट इज नॉट अ कॉलेज जहां आपको पढ़ेंगे और हम इसे करें. इट इज समथिंग जो आपको अपने क्षेत्र में रह के एक मुद्दे पे आपको काम करना है, उसको बदलाव लाना है. वो बदलाव लाने में आपको परेशानी ना हो, आप पैसे की बात ना सोचे, इसीलिए एक स्टाइपेंड ले जाता है. ये उनको दिया जाएगा फेलोशिप जो विकलांग है, जो एक यूथ है, जवान, मतलब जो होते हैं जो यूथ विद डिसेबिलिटी. एज की बात बार बार कही गई है, जैसे सुमित ने कहा कि अगर आप सही में बहुत ही जुनून है आप में और यू आर पैशनेट अबाउट डिसेबिलिटी राइट्स, प्लीज सेंड इन योर एप्लीकेशन. आपका एप्लीकेशन कितना स्ट्रांग है वो सिलेक्शन कमिटी जो इंडिपेंडेंट है वो डिसाइड करेगी, और अगर सोचे कि किसी को देना जरूरी है बिकॉज उनका काम इतना क्रिटिकल है और ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां वो करना बहुत जरूरी है, तो उनका डिसीजन होगा. हम अभी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते. तो ये बार बार नहीं दोहराया जाएगा. मैं सोचता हूँ कि इस चीज को आप पहले समझ लीजिए, फेलोशिप है जो कि विकलांग लोगों के अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए, उनके लाइफ को सुगम करने के लिए, जो भी बाधाएं हैं, सारा कुछ दिल्ली में नहीं हो सकता है या शहरों में नहीं हो सकता या एक ही जगह नहीं हो सकता है, इसीलिए हम 25 यंग लीडर्स को ढूंढ रहे हैं जिनको हम सपोर्ट करेंगे, जो खर्चे की बात ना सोच करके रीजनेबल अकोमोडेशन की बात की. अगर कोई विकलांगता उसकी ज्यादा है, 80% ज्यादा है, आने जाने में उनको खर्च होगी, तो इसीलिए ये स्टाइपन दिया जा रहा है कि उनको परेशानी ना हो, वो काम कर पाए और इंडिपेंडेंटली कर पाए. और हम एनसीपीडीपी और एनसीपीडीपी के जो मेंटर्स होंगे, जो भी अलग अलग एक्सपर्ट होंगे, वो उस कार्य में उनकी मदद करेंगे, उनके एडवाइस करेंगे. दिस इज द आइडिया. प्लीज ओवर टू यू सुमित. अब थोड़ा कुछ सवाल जो चैट में है हम उनको ले लेते हैं, उसके बाद फिर से हम मौखिक सवाल लेंगे. सो बिफोर वी मूव अहेड टू ओरल क्वेश्चंस, लेट मी फर्स्ट टेक केयर ऑफ द क्वेश्चंस दैट हैव बीन हाइलाइटेड इन द चैट सेक्शन. सो वी विल डू इट क्विकली. I request all the participants who are trying to talk with me to just bear with us for some more time. जो भी मेरे से मौखिक तौर पर बात करना चाह रहे हैं, मैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कि थोड़ी देर रुकें, ताकि जो भी चैट पर सवाल पूछे गए हैं मैं उनको पहले उसके ऊपर चर्चा कर लूं. सर मैं अभी जो शेरीन हैज आस्क्ड. हेलो वन मिनट प्लीज. सर मैं शेरीन हैज आस्क्ड the that, next whether candidates can submit any kind of articles in the writing references of the application form section, even if that is not related to disability issues. So yes, you can do that. The reason why that section exists is to check your writing skills. Aap likhne mein kitne prabal hain, yeh janne ki koshish ki gayi hai.
राइटिंग रेफर जो सेक्शन है उसके जहां लिंक मांगा गया है उस सवाल में, तो अगर आप ऐसे मुद्दों पर भी कुछ लिखे हैं या लिखना चाहते हैं जो कि जरूरी नहीं कि विकलांगता से जुड़ी हो, तो वह भी आप लिख सकते हैं। आगे का सवाल पूछा गया है कि 3 साल के बाद यह फेलोशिप करने के बाद क्या फ्यूचर है या क्या भविष्य होगा किसी भी फेलो का। सो दई है एज आस्क दैट वॉट इज गोइंग टू बी द कैरियर प्रोस्पेक्ट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस फेलोशिप। तो पहले तो मैं ये जानकारी दे देता हूँ कि इस 3 साल में आपको सबसे पहले तो एक सेक्टर में काम करने की एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस की अपॉर्चुनिटी है, उसके साथ साथ आप नेटवर्किंग इतने लोगों से कर रहे हैं, तो इतना सब कुछ होने के बाद आप डेवलपमेंट सेक्टर या डिसेबिलिटी सेक्टर में निश्चित ही और भी आपको अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिलेगी, और अगर आप काफ़ी अच्छे से इस फेलोशिप को करते हैं तो हो सकता है आगे चलकर आप खुद की मुहिम को खुद के तरीके से और आगे बढ़ा दें, खुद का खुद संस्था खोल के, जिसके लिए आप मदद उसी नेटवर्क से ले लें जिस जो जिनसे आप मिलना जुलना करते रहेंगे इस 3 साल के दौरान में। सो ड्यूरिंग दिस 3 ईयर फेलोशिप यू विल बी नेटवर्किंग विद अ लॉट ऑफ एमिनेंट पर्सनालिटीज, अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस हु आर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस पर्टिकुलर सेक्टर। सो आफ्टर गेनिंग सच काइंड ऑफ एक्सटेंसिव ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस एंड हैविंग networked with such people, I'm pretty sure you will have enough opportunities in terms of employment after 3 years. And even in case you do not have employment opportunities, then there is a high chance that you might develop a rigor and interest for this particular sector, that you might start your own venture in this particular sector or development sector. शॉर्टलिस्टिंग के बारे में भी पूछा गया है सवाल यहाँ सौरभ से। सो सौरभ हैज आस्क्ड रिगार्डिंग शॉर्टलिस्टिंग, सो दैट विल हैपन पोस्ट द डेडलाइन डेट इज ओवर, जब 11 तारीख जो अगस्त की है उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग आपके आवेदन पत्र की शुरू की जाएगी। राहुल अब आते हैं मौखिक तौर पर कुछ जो सवाल हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कई लोग सवाल पूछना चाह रहे थे जिन्होंने पहले से हाथ उठा रखा है। सुमित, राहुल कश्यप इज आस्क्ड इफ वी डोंट हैव आर्टिकल्स देन व्हाट कैन वी डू। तो आप अलग से किसी निबंध के ऊपर लिख सकते हैं ऐसे मुद्दे पे जिसमें आपका रुझान हो। सो टू एड्रेस व्हाट राहुल हैज आस्क्ड, यू कैन राइट अ फ्रेश एसे ऑन अ टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट एंड देन सेंड इट टू हर। Thank you, sir. Need one more question to ask her. Go ahead. जी. Sir, थोड़े एक बार form के बारे में बता दीजिए। उसको fill का थोड़ा-थोड़ा मुझे कुछ-कुछ part समझ नहीं आ रहा उसमें। जैसे वो words में है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मैं offline उसको निकाल के दूँ। तो वो कैसे कर सकते हैं, sir? Please एक बार वो बता दीजिए। Offline निकाल के आपको किसी internet cafe में जाना होगा या किसी दोस्त पड़ोसी या रिश्तेदार के घर में जाके जहाँ पे कंप्यूटर की सुविधा हो, या मोबाइल में सही एप्लीकेशन का आपको प्रयोग करना होगा, जैसे गूगल डॉक्स हो गया या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, और इसका इस्तेमाल करते हुए आपको फॉर्म भरना होगा। ओके सर, जो जैसे कुछ ना समझ आ रहा तो उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं सर? नहीं, किसी भी हिस्से को आप ब्लैंक ना छोड़ें, सभी हिस्सों को भरना होगा। थैंक यू राहुल। शशांक, यू कैन प्लीज गो अहेड विद योर क्वेश्चन। शशांक पांडे, कैन आई ऑडिबल? यस, थैंक यू। ओके, यस सर, थैंक यू सर फॉर द इंफॉर्मेशन सर। माय क्वेरी वाज रिगार्डिंग दिस पार्टनरिंग ऑर्गेनाइजेशन, एज यू मेंशन दैट under the fellowship we will partnering with different organization and individuals. So as Arman sir provided some brief about the involvement, sir, I just wanted a bit more clarity on what kind of organization will be partnering and what will be our association, like what will be our cohesion with them. Okay, so Shashank, to address your question, we have a established network which is known as National Disability Network, which has been operational for quite a few years, because NCPEDP has been operational for past
25 years. So the network is quite wide and vivid, where we are working with not only the organizations who are working on disability sector, we are working with educational organizations, we are working with rehabilitation organizations, we are working with organizations who forte in training people with special needs. So we also work with institutions who have interest in terms of academic documentations, reports, research, and also many government bodies. So you will be working with all of them. तो शशांक का यहाँ पूछना था कि किस तरह के संस्थानों के साथ हम काम करेंगे जब हम फेलोशिप में रहेंगे. तो यहाँ पे कई संस्थाएं हैं जो हमारे साथ एक नेशनल डिसेबिलिटी नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं, जो कि काफी सालों से काम कर रहा है, क्योंकि एनसीपीडीपी पिछले 25 वर्षों से इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है. और ये संस्था अलग अलग तरीके के काम करते हैं. यह संस्था सिर्फ वही नहीं है जो कि विकलांगता के विषयों पर काम करते हैं, ऐसे भी हैं जो कि ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, जो कि शोध करने में अपना प्रयास देते हैं. तो अलग अलग तरह के जो संस्थारी संस्था हैं वो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. तो ऐसे संस्थाओं के साथ आप काम करेंगे. इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन विद दीज ऑर्गेनाइजेशंस, यू विल हैव टू यूटिलाइज नेटवर्क्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन, द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स, to reach out to a community that they have not reached and create a different kind of fervor and reach to the people who have not been reached. So essentially, you won't be working as employee with these organizations, but you will be facilitated with the already existing network of this organization. So yahan pe Shashank ki baat hi hai ki kis tarah se जो रिश्ता होगा वो फेलोज का होगा, जो भी संस्था है जिनके साथ वह काम करेंगे. तो वहां पे आप किसी एम्प्लॉय की तरह नहीं काम करेंगे, बल्कि आप उनके साथ मिलकर जो उन्होंने पहले से नेटवर्क स्थापित किया है लोगों के साथ, समाज के साथ, सरकारी दफ्तरों के साथ, सरकारी कार्यपालकों के साथ या गैर सरकारी संस्थाओं के कार्यपालकों के साथ, उन तक पहुंचने में वह आपकी मदद करेंगे, ताकि आप इस मुहिम को उस दिशा में लेके जा सके जहां तक वो संस्था भी अभी तक ना पहुंच सकी है. यस सर. सर जस्ट अ फॉलो अप क्वेश्चन ऑन दिस, विल देयर इज देयर गोइंग टू बी अ रिपोर्टिंग मैकेनिज्म वेयर इन वी हैव टू शेयर आवर वर्क आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम विद एनसीपीपीडी और विद द ऑर्गेनाइजेशन दैट वी आर पार्टनरिंग विद? इज देयर एनी? यस, यू विल हैव टू रिपोर्ट अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, डॉक्यूमेंट about the study that you will be conducting in that particular region related to the interest topic that you have picked up, and you will have to report it to NCPDP at regular intervals. Yahan pe Shashank ne pucha hai ki kya is jo bhi hum kaam kar rahe hain usko NCPDP ko report karna hoga? To ha, karna hoga. Ek diye gaye antaral mein aapko batate rehna hoga ki aapka anubhav kya hai, aapne jo shodh kiya hai usse aapko kya पता चल रहा है, और ये सब जो जानकारी है ये आपको समय समय पर देते रहना होगा. एंड यू विल बी प्रोवाइडेड गाइडेंस ऑफ मेंटर्स हु विल हेल्प यू इन दीज एक्टिविटीज. आपको मेंटर की सहायता दी जाएगी जो कि आपको मार्गदर्शन दे सके इस तरह के कार्यों को करने में. थैंक यू. टेक क्वेश्चन फ्रॉम नेक्स्ट पर्सन. चैतन्य मुकुंद, प्लीज गो अहेड. Good evening, sir. Sir, am I audible? Yes, you are audible, Chetan. Sir, मेरा question था कि I am a writer. So, जितने भी मेरे work हैं, वो सारे published हैं. तो मेरा ही question था, क्या हम उन links को सीधा mail के साथ attached कर सकते हैं, या फिर हमें उसको drive के through ही भेजना पड़ेगा? अगर आपके जो written materials के link published already हैं, तो आप बस उस लिंक को एप्लीकेशन फॉर्म में कॉपी पेस्ट कर दें. ओके, जितने भी हैं. हाँ, गूगल डॉक्स या अटैचमेंट्स का इस्तेमाल तब करना है जब आपने कुछ लिखा है और वह किसी ऑनलाइन जगह पे पब्लिश्ड नहीं है. एंड सर, वन मोर क्वेश्चन, कैन वी अटैच अवर लिंक्डइन प्रोफाइल और एनी सच प्रोफाइल?
No, that won't be necessary. In case you want to attach a resume, that is more than what we require. But we would be, or the selection committee would be focusing on your application form. Okay. So filling that up is more important than sending your resume or LinkedIn profile. Okay. So LinkedIn profile या जो resume है उससे ज़्यादा अहमियत दी जाएगी selection committee द्वारा कि आपने आवेदन पत्र में क्या लिखा है. क्या okay sir, one more question. जो मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं वो तो मैं लिंक अटैच कर दूंगा, लेकिन जो मेरे बारे में आर्टिकल्स लिखे गए हैं कहीं ऑनलाइन मीडिया पे, वो भी मैं अटैच कर सकता हूँ या नहीं? नहीं. ओके, नेक्स्ट वी हैव निखिलेश्वर. निखिलेश्वर, गुड इवनिंग सर. आई हैव रेड द प्रोग्राम इंफॉर्मेशन इन योर वेबसाइट एंड the information given was the 25 students will be selected and then after only few of students will be continuing for the 3-year fellowship. Right. So what's the basis for selection of 3-year fellowship? Okay. So first and foremost, we'll be receiving applications from all the interested candidates. Then there application forms will be scrutinized, given how carefully they have filled up the form, and then post that those forms will be sent to a selection committee, which will be consisting of experts in this sector, and they will select your candidature based on numerous rounds of interviews and application forms and your documents, like your written materials, the section 3 where you have mentioned your theme of interest, motivation. After that, 25 fellows will be finally selected. Now they will have a competitive environment where to succeed into the next year, they will have to go through a rigor, and then selection for the next year will be based on your work, your presentation of work, and the feedback that we'll receive from organizations and mentors and individuals or experts with whom you will be working with. तो यहाँ पे जो सफल निखिलेश्वर का था कि जो selection की प्रक्रिया है, इसमें 25 लोगों को चुनाव किया जाएगा. तो यह किस आधार पर किया जाएगा? तो मुख्यतः जो भी आपने आवेदन पत्र में भरा है, पहले प्रथम स्थिति में आपके आवेदन पत्र को देखा जाएगा कि कितने अच्छे तरीके से आपने आवेदन पत्र को भरा है. उसके बाद कुछ लोगों का आवेदन पत्र जो है सिलेक्शन कमेटी को भेजा जाएगा, जिन्होंने अच्छे तरीके से भरा है. सिलेक्शन कमेटी में जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो फिर अलग अलग तरीके से उस आवेदन पत्र को और आपको परखेंगे. इंटरव्यू के द्वारा जो आपने रिटन मटेरियल दिया है उसके द्वारा, फिर साथ में आपने जो भी भाग 3 में लिखा है अपने प्रेरणा के बारे में, अपने रुझान के बारे में, उसके हिसाब से आपके एप्लीकेशन फॉर्म को, आवेदन पत्र को चयनित किया जाएगा. और इसके बाद 25 लोग का चुनाव किया जाएगा. अगले साल में बढ़ने से पहले यहाँ पे एक कंपटीटिव स्थिति में आप काम करेंगे, जहाँ पे आपके काम को देखा जाएगा, आप अपने काम को किस तरह से प्रसारित करते हैं उसको देखा जाएगा. साथ ही साथ यह देखा जाएगा कि क्या आपके प्रति भावना है उन लोगों की या उन संस्थाओं की जिनके साथ आपने काम किया है, और उस आधार पे आप अगले साल में चयनित किए जाएंगे. थैंक यू सो मच सर. ओके, नेक्स्ट इज जितेश कुमार. Jitesh, please ask your question. Good evening, sir. My ask is to understand the technical point of view. Let's suppose being myself a grad from National Institute of Technology, Rourkela, and I'm currently working with a MLC technical company, which basically based on fabricating semiconductors. And my vision was
you know, helping the differently able community through my skills of technicality, like building. So sorry to disturb you. Can you speak a little bit louder? I can't hear you properly. Okay, sorry about that. So yeah, my ask is, being a technical background and having a technical background, along with a severe disability, I always see myself working as a entrepreneurial of kind of developing a device for a differently abled person, which I did already. And I just wanted to see the scope with the organization, if I could, if I'm applying for the organization to be a part of the scholarship, will I be able to culture my interest and go further and, you know, try to build on work something along with my experiences which I have and which I'm currently going on. Will the organization will allow enough support and enough you know resources for me to work on a technical field and technical ground to develop a device for differently abled person? Well, certainly, first of all, we respect whatever you have achieved in your life, and you have contributed a lot in terms of digital finesse, which is required in our country and also on a global platform. So certainly that's a respectable achievement. And in this fellowship, we are asking you to carry this forward, whatever you want to do. However, we can only provide you assistance in terms of taking this forward in an evidence-based manner. So you will have to carry your work in a way where you document the progress, you document the experiences, and you share it further with various stakeholders. So if doing so can be manageable in what the fellowship offers, then certainly your application is most invited. That's what my query is, for developing a technical or a digital media platform. Let's suppose just for example, I can give you an example, like working on an exoskeleton, which is a very wide. Would not like to go into the example as we have time constraint, but essentially you will be requiring funds as well as certain expertise. So we can provide you mentors who have that inclination towards digital trends. But in terms of finance, we can only provide you stipend up to 25,000. So if that works out for whatever you want to carry out, then certainly that is something for you to decide. However, post completion of this fellowship program, we might invite applications for seeking venture capitals for such kind of entrepreneurial setups. So yes, that can be possible, but during the fellowship program, in terms of finance, you will be only provided with a stipend that is up to 25,000. So, thank you very much. Next question is from Vijay Pal Singh. Vijay, you can unmute yourself and ask your question. Hello. Yes, sir. Please go ahead. Good evening, sir. हाँ सर, मैं ये जानकारी चाहूंगा कि मैं पहले तो मैं बताना चाहूंगा, मैं मुरादाबाद यूपी से बात कर रहा हूँ जी, और जो यहाँ का क्षेत्र है, रीजन है, और मैं एक डिसेबल्ड पर्सन हूँ, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी मुझे 2016 में जी, उसके बाद में एक साल तक तो घर पर ही रहा था, मुझे कुछ पता नहीं था, उस परमानेंट डिसेबल्ड हो गया था। उसके बाद में जब मैंने बाहर जाना शुरू किया, जैसे मैं रिहाब भी किए, मैंने कई रिहैबिलिटेशन किए, उसके बाद में आगे के लिए दिव्यांगता के ऊपर पूरा एक शोध किया, फिर मैं घर नहीं आया, उधर से उधर ही मैं मतलब चक्कर काटता रहा। तो मुझे इस बात में मतलब 6 साल हो चुके हैं अब तक,
ठीक है सर, और एक नेटवर्क क्रिएट हो चुका है बहुत बड़ा, जैसे 10-11 समूह, 10-11 ग्रुप बने हुए हैं ऑलरेडी हमारे, मेरे खुद के। हाँ। तो ये जो एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है आपके थ्रू, ठीक है, ये बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है, चाहे मेरा अपॉइंटमेंट हो या ना हो इस बात के लिए मैं कुछ नहीं कह रहा, बट प्लेटफॉर्म इसलिए जागृत ज्यादा बढ़िया है क्योंकि हम हेल्प तो कर रहे हैं दिव्यांगों की या गवर्नमेंट से जो सुविधा मिल पा रही है, लेकिन बट उनको उन तक नहीं पहुंच पाती है वो। जी समझ रहे हैं ना सर, उनको वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए ये प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा है कि उन तक ये सुविधा पहुंचाने के लिए। आज अब मैं कुछ संस्थाओं के साथ वर्क भी कर रहा हूँ, बट वो आउटसाइड कर रहा हूँ, परमानेंटली नहीं है। जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो ग्रुप में डाल देता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए, तो मैं उस संस्था को कॉल कर देता हूँ या वो खुद नंबर प्रोवाइड करा देता हूँ, मेल आईडी प्रोवाइड करा देता हूँ। विजय जी सॉरी, आपका क्वेश्चन क्या होगा प्लीज, बिकॉज टाइम हमें। हाँ बस 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 मैं ये बस क्वेश्चन यही है कि इससे ज्यादा प्रैक्टिकली नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है सर। और दूसरी बात मैं थोड़ा फॉर्म के लिए मालूम करूंगा, क्या ये मुझे जेपीजी में भेजना है या पीडीएफ में भेजना है? आप पीडीएफ में भेज सकते हैं या फिर वर्ड फॉर्मेट में, पीडीएफ में या फिर वर्ड फॉर्मेट में। जो मुझे आपने प्रोवाइड किया है मेल आईडी जो दी है एनसीडीपी की। जी अच्छा, और इसके साथ और अपना आवेदन पत्र भरने के बाद अगर चुनाव आपका होता है तो आपके जो भी प्रयास है उसको आप और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। वो मेरा क्षेत्र में यही तो बताना चाह रहा था, मैंने एकदम बीच में बोल दिया। मैं ये बताना चाह रहा था सर कि जो हमारा जो क्षेत्र है यहाँ का मुरादाबाद यूपी का, नहीं नहीं वो उसकी जानकारी है, लेकिन समय सीमा को ध्यान रखते हुए अभी चर्चा हम उस पर नहीं कर पाएंगे, तो माफी चाहता हूँ आपके साथ। थैंक यू विजय जी। थैंक यू मैम। नेक्स्ट इज एंथनी सैमुअल। गुड इवनिंग एवरीवन। सो गुड इवनिंग। या सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू थैंक्स टू यू एंड सभी को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि ये जो इनिशिएटिव आपने लिया है, इट्स बड़ी से बड़ी चीज है या छोटी से छोटी चीज है, जो भी है सब कुछ चेंज होता है एक छोटी सी सोच से और एक सोच से और कह सकते हैं एक छोटा सा स्टेप से जो ऑलरेडी यू हैव टेकन। सो मेरा जो सवाल है, दो सवाल है सर एक्चुअली। फर्स्ट है जो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, मैंने वो मैंने फॉर्म फिल भी कर लिया है और वो सबमिट भी कर दिया है मैंने, वहाँ पे मैंने दो चीजें गलत किया है। एक जो आर्टिकल लिंक था वो मैंने अपने बारे में जहाँ पे आर्टिकल निकला था वो मैंने वहाँ पे अपलोड किया है, एंड सेकेंड थिंग जो मुझे वहाँ पे एक ऑप्शन मिला था लिखने के लिए व्हाट इज माय इंटेंशन, राइट? सो आई हैव रिटन एंड मैंने वो लिख लिया है वहाँ पे। सो ये गलती मैंने वहाँ पे किया है, इसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड, यू कैन रीसेंड द एप्लीकेशंस इन रिप्लाई टू द लास्ट ईमेल यू हैड सेंड अस। तो आई कैन मेक इट। हाँ, सो व्हाट एंथनी आस्क्ड इज ही हैज ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द फेलोशिप, ऑल्दो आफ्टर गोइंग थ्रू दिस सेशन he found that there are certain things that he may like to change, so you can certainly do that, but you are required to send the reworked form in reply to what you had sent earlier. So you will be sending your new form as a reply to the last email you had used. You are not going to use a different email. Yeah. And second question, तो अगर आप फिर से आवेदन पत्र भर के भेजना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भेज सकते हैं, अगर आपको इस सत्र के बाद ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हैं जो बदलाव करनी चाहते हैं तो ये, लेकिन आपने जो भी आखिरी ईमेल भेजा है उसी के रिप्लाई में वह आवेदन पत्र फिर से भर के भेजें। ओके ओके सर। और सेकंड क्वेश्चन और एक है कि मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि इस पे जो समझ लीजिए जो स्पेशली चाइल्ड है और स्पेशली चैलेंज्ड है वो, एंड जो जो ऐसे साइटेड है या जो नॉर्मली है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बोथ दे कैन अप्लाई, राइट? जी ओके। एंड सर इसके साथ साथ एक्चुअली आई एम अ प्लेयर ऑफ इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम, सो बोथ थिंग आई कैन डू टुगेदर, इट विल बी नॉट नो इशू आई थिंक। ओके थैंक यू सर। थैंक यू मैम। ओके सो नेक्स्ट इज सरोज नेगी। ओके गुड इवनिंग एवरीवन।
Good evening, Saroj. You have been waiting for some time now. So first, we would like to apologize. No, sir. It's okay. It's okay. And sir, I have questions. Two questions. First, sir, मेरा question ये है कि जो मेरा curricular activities है वो section तो मैंने fill up कर दिया है. But sir, उसमें जो मेरे certificates हैं जो कि मुझे मिला है, तो sir मुझे उनका copy attach करना होगा वहाँ पे? जी नहीं, नहीं ज़रूरत है. Okay. And sir, एक चीज और था जो मेरा computer literacy है. So, इसके इससे रिलेटेड भी कुछ कोई चीज अटैच नहीं करना है मे बी आई थिंक नहीं 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 कोई भी अटैचमेंट नहीं करना है. अटैचमेंट में बस जो आवेदन पत्र में दिए गए चीजें हैं उन्ही को अटैच करना है, जैसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया, गवर्नमेंट आईडी कार्ड हो गया, या अगर कुछ आपका लिखा हुआ चीज है जो कि आप गूगल डॉक्स या ड्राइव से ना भेज पा रहे हैं उसको लिख के उसको अटैचमेंट में भेजना है. इसके अलावा कुछ भी अटैचमेंट में नहीं भेजना. ओके सर, मेरा मैंने मेरा आई एम अ पोर्ट्रेस, तो मेरा जो पब्लिश करा हुआ है वो सारा बुक फॉर्म में है, वो अभी किसी सोशल मीडिया पे नहीं है, वो किसी किताब में या किसी मैगजीन में है. तो सर मैं उसको कैसे वहाँ पे मतलब प्रस्तुत करूँ? आपके पास उसकी कोई सॉफ्ट अगर कॉपी है तो आप उसको कर दीजिए, नहीं तो अगर लिखा हुआ कहीं हो तो उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं अगर. ओके सर, थैंक यू. एंड थैंक यू सर. ये मेरे एंड सर वन मोर क्वेश्चन, मैं एक वॉलंटियर हूँ तो मैंने अनपेड करा है ये वॉलंटियर डिसेबिलिटी वाला वर्क. कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको लिख सकते हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. जी. तो सर इससे रिलेटेड भी कोई आपको कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं? नहीं नहीं ओके सर, थैंक यू सर, इट्स डन. थैंक यू सर. थैंक यू सरोज. नेक्स्ट इज रियाज रफीक. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. जी रियाज. Actually, I'm not differently abled, but I have been pursuing research from last 15 years, and I have invented an economical advanced wheelchairs, almost two wheelchairs which are invented. Can I apply for this fellowship? First question, and the second. Yes, please do. Okay. Whether I am eligible for this, as I am not differently abled. That's completely all right. You have already contributed to this sector. Okay. And hopefully, the selection committee will honor that contribution. So okay. You are actually most welcome to apply. Okay. Thank you very much, sir. And the reason why I was looking for this fellowship is this stipend which is provided, that may help me to develop the prototype of this invention, and I will apply for prototyping grant from other sources. My attempt and aspirations are to bring the differently abled people into mainstream and get engaged with general population, so that the two can contribute for the development of nation. Sure, you can and you must do that. Okay, if selected. Okay. Okay. Thank you very much. Yeah, most welcome. Thank you so much. Next is Anushka Augustine. Good evening, sir. Good evening. Am I audible? Yes, you are. So, sir, I have a question. If I do get selected, and if post-COVID, if everything is fine, and I have to travel in my own state and in a district that is really far away from my house, so, like, will the organization that we are partnering with, will they be providing some sort of, you know, residence or some sort of assistance because of, you know, I'm asking this because of travel, security, and safety. The partnering organizations may help you in finding right accommodation. Mm-hmm. But rest of the things, you will be doing it on your own, because the way this fellowship has been designed, you have to take the onus and ownership of whatever you would be working upon. So, sir, it's important that I have to mention my own state or permanent address in the application form, or I can give a preference of another state. In case you are interested to work in a different state, that's fine by us. Okay. You might have to judge it yourself in which particular region you might be interested to put in your effort. Okay. Thank you, sir. Thank you. Most welcome. Thank you, sir. Thank you, Anushka. Next is Anmol Sharma. Sir, मेरा एक question है. जी. Sir, मान लो selection होता है.
उसके बाद वो अपना एरिया, जैसे मेरा स्टेट हरियाणा पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, तो अपना एरिया कवर कर सकता है या फिर इंडिया में कहीं भी उसको लोकेशन दी जा सकती है? नहीं, आपने अगर अपना प्रेफरेंस जो हरियाणा के अंदर दिया है, हाँ सर, उस जो राज्य है या उस रीजन में अगर कोई हमारे पार्टनरिंग संस्था है, यस सर, तो आप उनके साथ मिलकर काम करेंगे। यस, थैंक यू सर। थैंक यू अनमोल। काव्या, थैंक यू मैम। थैंक यू काव्या, डू यू वांट टू आस्क योर क्वेश्चन? Yes, hello. So I have two questions. Yes. First is, can we include our freelancing work in the professional experience? Yes, sure, you can. Okay, all right. And second is that I have worked for some websites and they do not have a specific address. So what should be included in the address section in that case? The URL. Okay, all right. Thank you so much. No problem. Yeah, we also have a question from Bibi Joseph. So she's doing her M.Tech and she wants to apply for this fellowship and she wants to know whether she can do this along with her studies. So Bibi, I would suggest that it requires a certain amount of dedication to complete this 3-year fellowship. So it completely depends on your capabilities to manage both simultaneously, like doing your M.Tech as well as contributing in this fellowship. Okay, Padma Stanzin wants to know whether this is going to be offline or online. So the activities that you have to conduct in this fellowship have been designed in an offline manner where you have to gain on-ground experience. But given the times of pandemic, to start with, you will be conducting most of the activities on online platform. Okay. Akanksha Mittal wants to know when the fellowship program will start. So the fellowship program will start in the month of September if everything is stabilized given the pandemic condition. Okay, so the next question is from Alice Ibrahim. She wants to know, what if we are unable to complete 3 years due to health issues or any other reason? 3 years or 1 year? So it will be preferred that you complete your fellowship at least for a year and certainly put in your best efforts to complete it in the successive years. But in case you are having any issues, then you will have to inform us in advance and then NCPEDP will relook at your candidature during the fellowship. So I think they should give 1 month advance notice. Yes. Okay. Any other questions? हेलो सर, नमस्ते जी। हाँ, मेरा नाम एस त्रिपति है मैडम। मैं ओडिशा से बोल रहा था जी, बोलिए। सर मैं हमारे यहाँ एक लोकल एनजीओ है जनजागरण और साइड सबर्स की प्रोजेक्ट से 8 साल काम किया है सर। डिजेबिलिटी के ऊपर ये लाइवलीहुड प्रमोटर के हिसाब से और डीपीओ फैसिलिटेटर के हिसाब से। सॉरी सर, मेरा लैंग्वेज थोड़ा हिंदी प्रॉब्लम हो रहा होगा। हाँ, कोई बात नहीं, आप अपना सवाल बताइए। तो मेरा सवाल ये है सर कि मेरा बहुत लगे अफेक्टेड है, मेरा क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है, मेरा एज 33 है सर, तो मैं कैन आई अप्लाई सर? You can certainly apply. आपने अगर काम किया है, आपको इस मुहिम को आगे बढ़ाने में रुझान है, आप अपना प्रयत्न करना चाहते हैं, तो जरूर आवेदन पत्र भरें। हाँ सर, ये तो मैं बहुत सारी 125 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स किया है और 6 ब्लॉग। नहीं, वो सब आवेदन पत्र में लिख दें। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर जी।
Thank you so much, Estripathi. Any other questions? Yeah, this is Manjunath Sadar. Yes, please go on, Manjunath. Please. Yeah, I am an entrepreneur who is manufacturing wheelchairs and all. Yes. I'm in the field of past 10 years. Okay. Also, I have worked with Rotary International. Okay. Giving motivational speeches to students. Okay. Yes. But the thing is, the question is, my age is about 58 years. I got about 32 years experience in administration, accounts administration, and marketing. Whether I can participate? You can certainly participate in this organization as you have considerable amount of experience. However, it will completely depend on the selection committee, that whether your candidature is selected or not. Okay, sir. Thank you. Yeah, welcome. Thank you. Any other questions? Sumit, I think we can wrap up. Yes. Yes, Sumit, before we wrap up, we must reiterate our points that the fellowship is for youth with disability primarily. Youth without disability, exceptional work, exceptional idea, passion, want to bring in a change, may be considered by the selection committee. But 25 में से समझ लीजिए 25 ऐसे 24 या 23 तो विकलांग यूथ को ही ये फेलोशिप दिया जाएगा, प्रायोरिटी वही है। दोबारा से कहूंगा कि आपके आइडियाज क्या बदलाव लाना चाहते हैं, आप अपने क्षेत्र में क्या बदलाव लाना चाहते हैं। ये बदलाव सर्विस डिलीवरी जैसा नहीं है कि हम ये खाना पहुंचा रहे हैं या फलाना कर रहे हैं। आप कोई बदलाव अगर लाना चाहते हैं, जैसे सेंसस आ रहा है, डेटा पर काम करना चाहते हैं, डिसेबिलिटी कार्ड दिलाना चाहते हैं, या एम्प्लॉयमेंट पे हो या एक्सेसिबिलिटी पे हो, जैसे पहले सुमित ने कहा, ये सोच के अपने आवेदन पत्र में उसको उल्लेख कीजिए, अपने आइडियाज को दीजिए। उस आइडिया को पूरा करने के लिए एनसीपीईडीपी सपोर्ट करेगा, मेंटर सपोर्ट करेंगे, इस चीज को आप ध्यान में रखिए। और आप लोग शेयर कीजिए ये इस फेलोशिप के बारे में अपने नेटवर्क में, अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वाले जितने और लोग हैं जो इंटरेस्टेड हो सकते हैं, जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, सो कि ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई कर पाए। सो थैंक यू सो मच, आप लोग ने समय निकाला और इस वेबिनार को अटेंड किया। किसी और जानकारी के लिए बेझिझक हमको ईमेल कर सकते हैं आप लोग, और हमारे पोस्ट में फोन नंबर भी दिया हुआ है, कोई परेशानी सबसे पहले जैसा कि हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री अरमान अली जी ने बताया, ये मुख्य जानकारी आप सबको ध्यान में रखें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में और जिस तरह से इस मुहिम को, इस प्रयास को बनाया गया है, तो मुख्यतः यहाँ पे ध्यान यही दिया जाएगा कि दिव्यांगता के ऊपर दिव्यांग जन काम करें तो बेहतर होगा। सो लाइक मेंशन्ड बाय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, देयर आर फ्यू पॉइंट्स ऑफ कंसीडरेशन दैट आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग दिस फेलोशिप, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो थ्रू द प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट, स्पेशली लाइक दिस हैज बीन डिजाइंड फॉर disabled people and majority of the fellows who would be participating in this fellowship will be persons with a disability. मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ इस प्रयास में समय निकाल के आने के लिए। I thank you all for participating in this particular initiative. NCPDP आने वाले समय में भी आपको अलग अलग तरीके से इस fellowship की जानकारी देते रहेगी और आपके सवालों के जवाब, आप दिक्कतों को समझने की कोशिश करते रहेगी। NCPDP in future will also try to bring in such initiatives and
try in best possible manners to address your queries and questions and provide you understanding regarding this fellowship and keep you in touch with all the necessary information and communication regarding further processes. इसके साथ साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस महामारी की स्थिति में जरूरत पड़ने ही पर घर पे से बाहर जाएंगे, घर पर रहेंगे, स्वस्थ रहने की कोशिश करेंगे, खुश रहेंगे. So before we end this session, I hope that you will try your best to not go out during this time of pandemic outside your house. You'll stay at home, try to be safe and be happy. Thank you all. Keep following us on our social media handles. हमारे social media handles पे तो देखते रहें ताकि आपको और भी जानकारी हमारे प्रयासों के बारे में मिलती रहे. आशा करते हैं कि फिर अलग तरीके से मुलाकात होगी. We hope we'll try to connect with all of you in a different manner in the next few months. Thank you. Thank you.